सो हेलो फ्रेंड्स, आज जिस चैप्टर की समरी मैं आपके लिए करने जा रही हूँ वो है क्लास सेवन्थ का चैप्टर सिंधबाद। तो ये कन्हैया लाल नंदन जी की रचना है और ये आपकी क्लास सेवन सीबीएसई का पार्ट है ये हिंदी का। तो देख लेते हैं सिंधबाद। सिंधबाद के बारे में पहले कुछ बातें। सिंधबाद एक व्यापारी, घुमंतू और खोजी व्यक्ति थे और उनको हमारा भारत बहुत पसंद था। यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है कि सदियों बाद एक बार फिर सिंधबाद के मन में लहर उठती है कि वह भारत आए व्यापार करने के लिए, और फिर क्या क्या उन्हें परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और अंततः जो है वो हैरान परेशान होकर पलायन कर लेते हैं। क्योंकि मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसके समय में जो भारत था और अब जो भारत है वो शायद ही जो है किसी को पसंद आ सके। तो पाठ शुरू होता है जहाँ पर बताते हैं कि अरसा काफ़ी गुजर चुका, अरसा यानी कि समय काफ़ी लंबा गुजर चुका था और सिंधबाद को बार बार ये ख्याल आ रहा था कि वह फिर से जो है हिंदुस्तान जाए। एक दिन फिर उसने तय कर लिया और अपने गठरियों में जो है तिजारती सामान बांध लिया। तिजारती यानी कि जो मतलब सामान जो जो बेचने के लिए जो सामान मतलब तिजारत जो है वो कारोबार को कहते हैं। तो उनका कारोबारी सामान जो है उसको बांध लिया। अभी वो रवाना होने वाला था कि हिंदबाद उसके पास दौड़ता हुआ आता है और उसे कहता है कि अब जो है समुद्री जहाज से जाने की कोई जरूरत नहीं है, हवाई जहाज से सफर होता है तो हमें हवाई जहाज से जाना चाहिए, अन्यथा हिंदुस्तान के लोग जो है वो हमें पिछड़ा हुआ समझेंगे। निहायत मतलब काफी पिछड़ा हुआ, बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ। सिंधबाद ने हिंदबाद का शुक्रिया अदा किया और फिर उसने सोचा कि हवाई सफर पता नहीं कैसा होगा। फिर उसे अपने पहले समुद्री सफर की याद आने लगी जहाँ पर कप्तान जो है वो उसको एक बहुत बड़े कछुए की पीठ पर को जो है एक टापू समझकर उसको उस टापू पर उतार कर चला गया था। तो उसे ये सब मुसीबतें याद आ गई। तो अब उसने जो है एयरलाइंस का तरफ का रुख किया और फिर जो है महिला बुकिंग अफसर ने जो है सिंधबाद की पगड़ी की तरफ एक निगाह डाली और फिर एक मुस्कान देते हुए उससे तशरीफ रखने का कहा। तशरीफ रखना मतलब बैठने को कहा और सिंधबाद जो है उसको इस तरह उसका छोड़ के अंदर चला जाना पसंद नहीं आया। जब वो वापस आती है तो सिंधबाद से पासपोर्ट मांगती है लेकिन उसे समझ ही नहीं आता। और फिर वो जो है बताता है कि मेरा नाम सिंधबाद जहाजी है और मैं कई बार सफ़र कर चुका हूँ, तो तब तो किसी ने भी पासपोर्ट नहीं मांगा, अब ये क्या है। तो लड़की जो है उसने सिंधबाद को समझाया कि पासपोर्ट और जो हेल्थ परमिट है उसके बिना अब सफ़र नहीं हो पाते हैं। तो हार कर जो है वो ये इंतजाम करता है। फिर एक दिन जो है सिंधबाद को एक हवाई जहाज जो है मुंबई एयरपोर्ट पर उतार देता है। अब सामान जो है उनका एक ट्रैक्टर पर लदा हुआ आया और सरकते हुए रबर के पट्टे पर पटक दिया गया। यानी कि देखिए जो एयरपोर्ट पे जो अथॉरिटीज होती हैं, जो मतलब वहां पे जो भी सामान होते हैं, जिस तरह की चेकिंग वगैरह होती है, उसके बारे में जो है जो भी देसी शब्द उसके मन में चल रहे होंगे सिंधबाद के, वो उनके बारे में बताया गया है। तो गठरियां कई थी, एक में सोने के पुराने सिक्के थे। पोर्टर जैसे उसने जो ही जो है झटके के साथ गठरी को पट्टे पर फेंका तो सोने के सिक्के जो है बिखर कर फर्श पर घूमने लग गए, मतलब सारी तरफ बिखर गए। और तभी सफेद वर्दी पहने कस्टम के अफसर जो है वो पता नहीं कहाँ से आ गए और सिंधबाद को सिक्के बटोरते देखा और उनको घेर लिया। सिंधबाद ने बताया कि उसका नाम सिंधबाद जहाजी है और उसने पहली बार समुद्र हवाई यात्रा की है और यही उसकी गलती है। एक कस्टम अफसर जो है वो आगे आता है और बोलता है कि आप सोना स्मगल कर रहे हैं और आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। गुनाह का शब्द जब सुनता है सिंधबाद तो उसकी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, वो बार बार अपनी सफाई देने लगता है और कहता है कि वो बस एक कारोबारी है और वो अपनी मतलब कारोबार करने के लिए यहाँ आया है। और वो बोलता रहता है लेकिन उसको पुलिस की कस्टडी में दे दी जाता है। फिर काफ़ी जो है जिल्लत तवालत यानी कि बेइज्जती मतलब अपनी जो है मतलब बुरी तरह से अपमानित होने के बाद फिर जो है वो गठरियों के साथ कस्टम से बाहर आ पाता है और एक कुली जो है वो उसका सामान टैक्सी में रखता है और बोलता है कि साहब बख्शीश दीजिए। इस पर सिंधबाद को बहुत हैरत हुई कि हिंदुस्तान का आदमी और भीख मांग रहा है, मतलब बख्शीश मांग रहा है। बख्शीश यानी कि खुश होके जो भी टिप यानी कि हाँ जो टिप दी जाती है।
तो उसे लगता है कि भारत जैसे सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश में लोग टिप मांग रहे हैं। तो फिर उसने कस्टम से बचे हुए सिक्कों में से एक सिक्का कुली को दे दिया, और उसके बाद में जो है सिंधबाद की टैक्सी जो है नरीमन पॉइंट की तरफ चली जाती है, और वहां पर वो देखता है कि बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ और हंगामा ही थे, मतलब हंगामा था, क्योंकि अब देखिए अब पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ चुकी है और ट्रैफिक भी बहुत बढ़ चुका है, तो उसे ये सब समझ नहीं आ रहा होता कि इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों हैं। तो सिंधबाद को ऐसा लगता है कि वो भटक गया है। फिर वो टैक्सी वाले से बोलता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है और किसी चश्मे के पास ले चलो, चश्मा यानी कि किसी झरना या मतलब प्याऊ के पास। इस पर टैक्सी वाला जो है उसको जुहू के एक होटल में ले जाता है, सिंधबाद का सामान उतार दिया जाता है और उसे लिफ्ट में चढ़ाकर ऊपर ले जाते हैं। लिफ्ट की दरवाजा बंद होते ही सिंधबाद घबरा जाता है, लिफ्ट ऊपर की ओर चल पड़ती है क्योंकि उसने कभी लिफ्ट भी नहीं देखी होती, उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है, और उसकी सांस रुक रही थी, मतलब उसकी हालत खराब हो रही थी। दरवाजा फिर खुलता है, जहां पहुंच के तो फिर उसको जो है जान में जान आई, यानी कि उसको थोड़ी तसल्ली हुई। फिर वो बड़ी हिम्मत से जो है पूछता है कि ये क्या था, तो इस पर बहरा बोलता है कि लिफ्ट था जिसे ऊपर जाने वाली मतलब ऊपर जाने के लिए ये मशीन काम में ली जाती है। सिंधबाद ने सोचा कि बिल्कुल ऊपर यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना मरने के लिए जनरल वे में कह दिया जाता है कि ऊपर जाना, तो वो सोचता है कि मतलब खुदा के घर जाने की मशीन है, तो वो कसम खा लेता है कि अब वो कभी उसमें नहीं चढ़ेगा। और शान और शौकत के उसको मतलब आदत थी सही, तो वो आलीशान होटल देखा और उसको थोड़ी सी राहत मिली। तभी जो है गलती से उसका हाथ एक बटन पर पड़ जाता है और कमरे में एक आवाज़ गूंजने लगती है। सिंधबाद को समझ नहीं आ रहा होता है, तो उसने दहशत में जो है दहशत यानी कि डर से कमरे में जितने भी बटन दिख रहे थे उन सबको दबा दिया, तो कहीं से तो बत्ती जल गई, कहीं से पंखा चल गया, किसी से घंटी बजी, किसी से एयर कंडीशनर एसी चल गया, यानी कि कुल मिला के सिंधबाद जो है वो परेशान हो गया कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है, भारत इतना बदल कैसे चुका है। अब उसकी हालत जो है बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, और बहरा जो है वो अंदर आ जाता है फटाफट। वो पूछता है कि आपने बुलाया क्या, मतलब आप फटाफट आता है और पूछता है कि क्या उसे बुलाया गया है। इस पर जो है सिंधबाद कहता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो बहरे ने रेडियो का स्विच ऑफ कर दिया यानी कि म्यूजिक सिस्टम को बंद कर दिया, और सिंधबाद जो है वो अपना मुंह पोंछते हुए कहता है कि मैं वापस अपने वतन जाना चाहता हूँ। बहरे ने उसकी बुकिंग करा दी। कुछ देर बाद देखा गया कि सिंधबाद का सामान फिर से टैक्सी में रखा जा रहा है, और सिंधबाद एक ही दिन में हिंदुस्तान से जो है बुरी तरह परेशान होकर यहाँ से चला गया। और लौटकर एयरपोर्ट जाते हुए उसने टैक्सी वाले ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं साहब, और आपको यह हमारा हिंदुस्तान कैसा लगा। ये सुनते ही सिंधबाद फटफड़ा और बोला कि हिंदुस्तान की तरक्की से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ प्यारे, यहाँ वही नहीं मिलता जिसे मैं खोजने निकला था। टैक्सी वाले ने पूछा आखिर क्या खोजने निकला था। सिंधबाद बोलता है कि खोजने निकला था मतलब यहाँ के आदमी जो है वो आकर्षित करते थे लोगों को, पहले यहाँ के लोगों में जो एक जज्बा होता था उसकी वजह से लोग यहाँ आया करते थे, और अब जो है यहाँ पर मशीनें ज्यादा हैं और आदमी कम है, यानी कि इंसान कम है, इंसान में इंसानियत नहीं रही है, मशीनी हो गई है सबकी जिंदगी, और बहुत ही ज्यादा हंगामा है यहाँ की जिंदगी में, और मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैं जो है अजदहूं होता है अजगर, पाइथन जो होते हैं ना बड़े बड़े सांप, उनके बीच में भी रहा हुआ हूँ, लेकिन मुझे डर नहीं लगा, लेकिन इन मतलब मशीनों की जो निर्जीवता है यानी कि बस चलने वाली खटर पटर है, उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। अब एयरपोर्ट आ जाता है और सिंधबाद जो है फटाफट उतर के अंदर चल जाता है। टैक्सी वाला जो है गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है, और जब उसने पीछे देखा तो उसे दिखता है कि सिंधबाद का सामान तो इसी में रह गया। अब ये सामान जमा करवाने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर जाता है। अंदर ही अंदर सोच रहा था कि अगर इसे जमा ना कराऊं और मतलब जो है अपने पास रख लूं यानी कि ले लूं, हड़प जाऊं इसको, तो भी किसी को क्या पता लगेगा। और टैक्सी वाला जो है वो इसी कश्मकश में था, और उधर सिंधबाद का जहाज जो है वो वापस अपनी उड़ान भर चुका था। तो ये था व्यंग्य रचना सिंधबाद, इसके लेखक थे कन्हैया लाल नंदन जी। तो ये पाठ आपको कैसा लगा, इसकी व्याख्या आपको कैसी लगी,
आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।